हेलो गाइस, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की जो मैच होने वाली है हमारी अंडरटेकर वर्सेस रैंडी ऑर्टन, जो कि बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। एंड अंडरटेकर का तो आपको नाम पता ही है और बहुत ही शानदार प्लेयर वो भी है। तो कोई बात नहीं, चलो मैच को हम स्टार्ट करने से पहले आपको विशाल लेजेंड लाइव चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड सब्सक्राइब टोकना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैच को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही हटके मैच हुई, तो गाइस सपोर्ट बनाए रखो। और यहाँ पे हमारी मैच जो है टेम्पला में होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त मैच। और यहाँ पे सबसे पहले आतिशबाजी हो रही है अंडरटेकर के एंट्री की, और बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाली है। और यहाँ पे अंडरटेकर आते हुए दिख रहे हैं हमें, बहुत शानदार लुक स्टाइल एंड कैप के साथ में। पर इस अंडरटेकर का एक ही विषय है, बहुत घुर्राता जाता है, ज्यादा घुर्राने की वजह से यहाँ पे लोग ज्यादा डर जाते हैं उससे। और यहाँ पे हमको देखना है कि मैच कौन जीतता है। बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में यहाँ पे अंडरटेकर आते हुए दिख रहे हैं हमें, बहुत ही सिंपल तरीके से आ रहा है पर बहुत तगड़े तरीके से मारता है। Entering the hallowed ground of WWE's Hall of Fame just made the Phenom stronger. और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही टाइम पास करते हुए, क्योंकि पूरा ऐसा लगता है अंडरटेकर को कि अपना खुद का स्टेडियम है जहाँ पे हम मैच कर रहे हैं। बहुत टाइम पास करते हुए यहाँ पे हमको दिखते हुए नजर आ रहे हैं अंडरटेकर। और यहाँ पे आतिशबाजी तो हो ही रही है। वो भाई साहब बहुत ही शानदार, और लाइट भी आ चुकी है अंडरटेकर अंदर में आने का, बहुत अच्छा लगता है उसको। I hope this superstar realizes the opportunity in front of him. Beating Randy Orton would be a career highlight for anybody. क्या आप उतारने के लिए भी इसको 5 मिनट लग रहे भाई, उतने में तो पूरी जिंदगी हो जाती है। बहुत ही टाइम पास बंदा है आप देख सकते हो। और यहाँ पे अभी बहुत ही शानदार बॉडी एंड पर्सनालिटी के साथ में यहाँ पे अंडरटेकर आ चुके हैं, और उसकी हाइट भी बहुत तगड़ी है, तो उस हिसाब से अभी सामने वाला बंदा मार खाता है या देता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। और यहाँ पे हमारे सेकंड प्लेयर जो है रैंडी ऑर्टन जो है यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत ही शानदार बॉडी एंड पर्सनैलिटी है, ऐसी मेरी भी दाढ़ी हुआ करती थी पहले। भाई बहुत ही जबरदस्त बॉडी, और टैटूज तो देखो आप, इतने टैटू भाई कौटी के, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। और आज की जो मैच होने वाली है इसमें आपको बता देता हूँ, बहुत ही तगड़ा विषय हुआ है, जो कि जो फाइट हुई है फाइट में बहुत ज्यादा ब्लड कौन से प्लेयर का गया होगा आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि बहुत ही शानदार मैच हुई है, आपको पसंद तो आएगी जरूर। That's why there's only one apex predator, and his name is Randy Orton.
good luck. You're in the fight of your life. और यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से रिंग के अंदर अपना कर्तव्य दिखाते हुए गाइस यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले हमला जो किया है अंडरटेकर ने किया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है मैच की और रैंडी ऑर्टन को मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं लग रहा है धोने के लिए और अंडरटेकर का विषय कुछ अलग ही है पोज देते देते भी मार खाते हैं कोई बात नहीं एक्ट्रेस में होना मांगता है जल्दी पोज देना चालू कर दिया था इसी वजह से हुआ और अंडरटेकर को गुस्सा आ गया और मैंने जो बोला था स्टार्टिंग में ही अंडरटेकर के पॉइंट से यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के सर पर से खून निकलना स्टार्ट हो चुका है और बता दूँ तो क्योंकि अंडरटेकर का जो पंच है बहुत ही तगड़ा बैठता है ओ भाई बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आप देख सकते हो अंडरटेकर को गिराया गया है ओ The Apex Predator showing no concern for his opponent. Oh, boy, Sam. Taking the fight near our announce table. I really hope we get these desks at a discount. The Viper is uncoiled, and Corey, what is necessary for Randy Orton to slay the dead man? Orton has to keep moving, utilize his quickness to land high-impact offense on the Undertaker. And that definitely made solid impact. Yeah, bet. रैंडी ऑर्टन का विषय बहुत हार्ड हो रहा है अंडरटेकर कंटिन्यूसली उस पर भारी पड़ रहे हैं ओ भाई फाइट कम भी रही तब भी रैंडी ऑर्टन भी बहुत शानदार खेलते हुए नजर आ रहे हैं हमको इस मैच में ओ भाई यहाँ पे अंडरटेकर का विषय बहुत हार्ड हो चुका है पर भाई स्टार्टिंग में ही खून निकल गया है यार कैपेसिटी लो हो जाती है क्योंकि खून निकलता रहता है बहुत अलग लेवल पे होता है ओ भाई बहुत ही जबरदस्त मैच है यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो लाइक करो कमेंट करो विशाल लेजेंड लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर दो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे स्मैक हुआ है ओ भाई यहाँ पे अंडरटेकर ज्यादा ही मतलब आप सोच सकते हो बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे यहाँ पे कोई किसी पे भी गुस्सा कर सकता है क्योंकि वो फाइट है फाइट के अंदर कुछ भी हो सकता है सीधा रिंग के बाहर ही फाइट होते हुए दिख रहे हैं बहुत ही जबरदस्त भाई रैंडी ऑर्टन का मुंह तो बहुत सूझने वाला है आज के दिन में मेरे को ऐसा लग रहा है कंटिन्यूसली फाइट एंड पंच मूव के ऊपर भाई खून तो देखो अलग अलग जगहों पे से खून आ रहा है भाई ओ भाई इस मैच में आपको क्या लगता है कि कौन विनर हो सकता है गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ क्योंकि बहुत ही शानदार मैच चलते ही दिख रहे हमें और यहाँ पे हमको अंडरटेकर भारी लग रहे हैं क्योंकि अंडरटेकर जीतने के चांसेस मेरे को लगते हैं पर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि बाजी किसी के भी हाथ में जा सकती है यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे किक का यूज करके उसकी सेफ्टी भी बचा के रखी है और यहाँ पे वही फिर से वही चीज हो गई ओ भाई सीधा उठा के एक ही हाथ में उठा के पटक गया भाई
यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अंडरटेकर ही या इस बार मैच का विनर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मैच चलते हुए दिख रहे हमें और रैंडी ऑर्टन के सर पर से खून आते हुए भी दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा लेवल पे। ओ भाई यहाँ पे अंडरटेकर का भी मुंह टूटने के चांसेस है, बस देखना पड़ेगा। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन भी बहुत शानदार खेलती हुई नजर आ रहे हैं हमें। Showing no mercy. We may be seeing a deadly elbow drop. Well measured. Right in there. The Undertaker finally finding an answer. No way. Yes way. What? Khatam. Tata. Bye bye. Bhai saab. Yahan pe bahut tagde level pe. की वजह से बच गया रैंडी ऑर्टन पर। मेरे को लगता है कि इस बार रैंडी ऑर्टन का ही विषय खल्लास हो रही है। बहुत ही शानदार स्मैक की वजह से यहाँ पे रैंडी ऑर्टन फिर से नीचे गिर चुके हैं। और गाइस इस स्मैक के लिए तो लाइक बनता है कुछ भी हो जाए। एक ही लात में सीधा नीचे, पहले ही खून निकल रहा है भाई और इसको मार खाने की बुरी हालत होती हुई दिख रही है हमें। रैंडी ऑर्टन का विषय बहुत हार्ड होने वाला है। ओ भाई सर की हड्डी टूट चुकी है। थ्री, मैंने बोला था यहाँ पे सर की हड्डी टूट चुकी है और यहाँ पे अंडरटेकर विनर हो चुके हैं। बहुत ही शानदार मैच हुई गाइस। मैच आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। लाइक करो, कमेंट करो, विशाल लेजेंड लाइव चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो और बेल आइकन को भी ऑल करके रखो क्योंकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। और बहुत ही मज़ेदार मैच हुई। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइस। Byron, but something tells me that the war between the dead and the apex predator is not over.